वाले को मेरी तरफ से नमस्कार, और मैं हूँ आपके साथ निम देवी। अभी हम कोई ऐसे गांव में पहुँचे, इलाके में पहुँचे हैं, यहाँ पर एक सुना है लोगों का कहना है यहाँ पर एक मंदिर है बहुत मशहूर है, यहाँ पर 5 जो दरिया मिलते हैं और उनके बीच में एक शिवलिंग मंदिर है भोलेनाथ का, और लोगों का कहना है यहाँ बहुत पुराना मंदिर है। और अभी हम यहाँ पर जाने वाले हैं, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा पर कोई बात नहीं, हम दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा और अभी बहुत हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और आप देखते रहिए। हम आपको ये बताना चाहेंगे ये एरिया कड़ुए में पड़ता है, और जो पहाड़ देख रहे हैं आप, मैं उस तरफ जाने हैं हमें अभी, और ये इलाका बहुत ही मशहूर हुआ है जिस जहाँ पर हम जा रहे हैं मंदिर में, वो भी 5 जो दरिया मिलते हैं और 5 तीर्थ से नाम से जाना जाता है। आपने देखा कि हमने जो नदी है अभी पार की, और अभी यहाँ छोटे से गांव में पहुंचे जो डिस्ट्रिक्ट कड़ुआ में एरिया में पड़ता है, और अभी घर दिखाएंगे जो मिट्टी के घर है, अभी लोग हैं मिट्टी के घर डाले हुए हैं। अभी हमें यहाँ जहाँ पर जाना है हमें अभी 15-20 मिनट लग जाएंगे जाने के लिए। पहुँच चुके हैं उस घर में, यहाँ पर मिट्टी के घरों के लिए टीम के घर डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। या अभी हमें 10 मिनट और लग जाएंगे वहाँ पर पहुँचने के लिए। यहाँ पर वो शिवजी का मंदिर है, और अब देख सकते हैं ये मिट्टी के घर है जैसे पुराने दिन में होते वही घर है। अभी हमें 3-4 घंटे डिस्ट्रिक्ट कड़ुआ और पंचायत झोल से लगे, हमें 3-4 घंटे लगे हैं यहाँ पहुँचने वाले मंदिर के पास ही, और अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जाने के लिए। अभी हमारे पास में हमें अभी थोड़ा दिख रहा है मंदिर, आगे जाके हमें बिल्कुल क्लियर है, और हम मंदिर में जाएंगे और दिखाएंगे आपको ये कितने टाइम से ये मंदिर है, ये कितना पुराना है। हम जाएंगे इस रास्ते से जाएंगे जो दिव्य मंदिर है पुराना हो, अभी हम उनके कितने साल पुराने हैं हम अभी बताएंगे आपको, अभी उसके पास ही जाएंगे हम। ये वही मंदिर है जिसके बारे में हमने सुना था, ये 5 तीर्थ का मंदिर है। अभी हम पहुंचे हुए यहाँ पर, थोड़ा टाइम और लगेगा हमें यहाँ पर जाने के लिए, और पानी है इनको। अभी हम इस रास्ते जाएंगे जिसके बारे में हमने सुना था, वो मंदिर 5 तीर्थ इनका नाम जिसका नाम है, अभी हम वहीं पर जाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं शिव भोलेनाथ के दरबार में, और चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो सिर्फ दरिया है और अद्भुत यहाँ नज़ारा है शिव भोलेनाथ। अभी हम यहाँ पर शिव भोले के मंदिर में आप जाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के दरबार, शिव भोलेनाथ के दरबार में। अभी हम पहुंचने वाले हैं, अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अभी हम मंदिर में जाकर देखेंगे ये कौन सा खूबसूरत जो नज़ारा है शिव भोलेनाथ का मंदिर। अभी हम देखो हम पहुंच गए हैं और शिव भोलेनाथ के मंदिर में, और कितना सुंदर जो नज़ारा है वो पीछे भी देख सकते हो, शिव भोलेनाथ की जो मंदिर के अंदर में जाएंगे, और यहाँ पर पुजारी जी यहाँ पर बैठे हुए, और हम इसे जानेंगे ये
ये काका मुद्रे सात जो गायत्री मंदिर जी बताइए कितने जो का मंदिर है और कितना पुराना ये मंदिर है। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय श्री राम कृष्ण। और मेरे प्रजा राजा महाराजा और लोगों को भक्त शिष्य लोगों को साधु संत महाता इन महात्मा लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और देवगण देव आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें पांचों तत्व को मैं इन्हीं लोगों को मैं आभार मानता हूँ। इन्हीं ही बता सकते हैं और मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये कितने समय तक का है कितने समय तक का नहीं है ये इसका कोई नहीं बता सकते हैं। जब जब यहाँ मनुष्य योनि जब आए हैं तब इसको ये जैसा है इस स्थान ऐसे ही देख रहा है लेकिन इसका अंत नहीं जान सक रहे हैं। कोई इसका अंत का कोई पता नहीं है कितने समय का है तो इसको हम नहीं बता सकते हैं। अब बताते हैं कि यहाँ पांचों पंडो यहाँ इनका पूजा कर रहे हैं बाबा जी ऐसा बोलते हैं। तब हम भी इन्हीं शिष्य भक्तों लोगों के दर्शकों लोगों के माध्यम से मैं और मेरे साधुवाद इनका भी धन्यवाद करता हूँ मैं। तो इन्हीं लोग सभी ऐसे ही बता रहे हैं बड़े बड़े यहाँ गुरु महाराजा और लोग संत महात्मा पुजारियों लोग बताते हैं कि यहाँ पंचतीर्थी पंचमुखी है तीर्थ स्थान है पवन धाम है ऐसा ही बोलता है। तो इसका मैं यहीं तक जान सकता हूँ आगे समय ही बताएगी। यहाँ पर जो मंदिर है पुराना यहाँ ग्रंथों में क्या है यहाँ पांडव भी आते थे या नहीं आते थे यहाँ पांचों पांडव इनके पूजा ही करते थे तो उस समय युग नहीं था जब इनका पूजा करते थे। जब युग नहीं था जब पूजा करते थे तब पांचों पांडव इनके पूजा करके जब दिन होते थे तो छिप जाते थे। यहीं से इन लोग पता नहीं कहाँ छुपते थे कहाँ नहीं छुपते थे कहाँ लुप्त होते थे कहाँ नहीं लुप्त होते थे इसका हम नहीं जान सकते हैं। ऐसे ही बताते हैं भक्तों लोगों ने शिष्य भक्तों लोगों ने प्रजा राजा महाराजा और लोगों ने साधु महात्मा गुरुदेव लोग ने ऐसी बताते हैं। पांचों देव ने यहाँ पर पूजा किया हुआ पांचों पांडवों ने इसका ही बताते हैं। विष्णु भगवान हरि नारायण है यही शिव जी है यही इंग्लिश के वहाँ पर बोलना है ठीक है ना ये सब शब्द निकालो जो आप ये पत्थर देख रहे हैं इन लोगों का ये आम पत्थर नहीं है। त्रेत्रा युग सतयुग में ये एक सोना हुआ करता था अभी ये पत्थर है और ये आम पत्थर नहीं है। इन लोग हमारा नहीं कहना है इन साधु और महात्मा का कहना है ये क्योंकि हमारे सामने एक दुकान है और यहाँ पर एक बुजुर्ग जी बैठे और इनसे थोड़ी हम जानकारी लेंगे ये इनके मंदिर इस मंदिर के बारे में बताइए हमें। इस मंदिर में जो है ये जब महाभारत युद्ध हुआ था पांडवों को 12 साल वनवास हुआ था उसके बाद एक साल उनको अज्ञातवास हुआ था एक साल अज्ञातवास हुआ था कि किसी को दिखना नहीं उस समय का ये मंदिर है। ये पहाड़ी है पत्थर है इधर उधर सो रात को आते थे सुबह वो गायब हो जाते थे पताल लोग में चले जाते थे जब अज्ञातवास हुआ था उस समय की बात है। इन्होंने हमें बुजुर्ग इन्होंने बताया कि यहाँ पर पांच पांडव जो आते इंग्लिश के वहाँ पर बोलना है ठीक है ना ये सब शब्द निकालो किया जाता है बात से बोलेगा। चलो आगे बढ़ जाओ।